हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार इंट्राडे स्टॉक लेके आया हूँ, जब कल कल यानी कि 8 फरवरी 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हैं तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो गाइस, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने देखेंगे कि कल यानी कि 7 फरवरी के जो ट्रेड दिए थे उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो सूर्या रोशनी एक स्टॉक था, 633 पे बायन डिप बोला था, 633 पे आपको बाय करना था, 625 का स्टॉप लॉस था, तो उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी आई थी तो अपने उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसके बाद कोफोर्स था, बाय एंड डिप बोला था लेकिन जो बाइंग लेवल था वो आया ही नहीं था, इसीलिए कॉल एक्टिव नहीं हो पाया था। फिर एक था रोटो पंप्स में क्या था कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट पॉसिबल था लेकिन वो लेवल के ऊपर 586 के ऊपर गया ही नहीं था, इसीलिए स्टॉक का कॉल एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस लेवल था 572 के नीचे पहले चला गया तो वो इनवैलिड सेटअप में काउंट हो गए, यानी कि कॉल अपना एक्टिव नहीं हुआ लेकिन अपने रूल्स के हिसाब से अगर स्टॉक पहले स्टॉप लॉस जो लेवल दिया उसके नीचे पहले चला जाता है तो क्या हो जाता है, इनवैलिड सेटअप हो जाता है। और SRF नॉट एक्टिव है, नॉट एक्टिव यानी कि उसमें अपना सेल ऑन राइस था लेकिन वो लेवल आया नहीं, अपना 2230 पे बेचना था लेकिन वो स्टॉक 2221 का हाई मार के नीचे आ गया था तो वो कॉल एक्टिव नहीं हो पाया। तो अभी अपने चलेंगे 8 फरवरी के जो स्टॉक दिखाऊंगा उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा कोफोर्ज, जो आपको कल भी दिया था बाय करने के लिए, फिर से बाय करने का ट्राई करेंगे क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है कोफोर्ज, बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ऐसे नीचे आया फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई। जैसे ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो जो सप्लाई जोन होता है वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो कोफोर्ज का CMP कितना है, 4302 है, तो आपको उन्हें को बाय का करना है 4290 पे, बाय एंड डिप करना है। कल भी बोला था लेकिन उसका लो देखोगे तो 4290 मारा ही नहीं था इसीलिए कॉल एक्टिव नहीं हुआ था। तो अभी फिर से कल के लिए बाय करेंगे, 4290 का लो मारता है तो आपका कॉल एक्टिव हो जाएगा, 4240 का स्टॉप लॉस लगा के, सॉरी गाइस, 4350 और 4400 के लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आप कल बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है DFM फूड्स। DFM फूड्स को आपको बाय करना है, उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है DFM फूड्स, स्टॉक का नाम रहेगा। तो ट्राइंगल का ब्रेकआउट पॉसिबल है और बाय एंड डिप विद ATX है। तो ट्राइंगल के यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड लाइन होकर नीचे से आप ड्रॉ करोगे तो ये अप ट्रेंड लाइन हो रही। तो उसका जो पहले ये वाइड रेंज था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, स्टॉक में या तो गिरावट आ सकती है या तो ऊपर की साइड जा सकता है क्योंकि ये रेंज देखोगे तो धीरे धीरे नैरो हो रही है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये दूसरा जो सेटअप है वो क्या बता रहा है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे बाय एंड डिप विथ ADX। तो ये सेटअप से क्या पता चलता है, ADX और अपने विलियम सर यूज करते हैं, जब भी ADX की वैल्यू 25 के ऊपर होती है और विलियम सर की वैल्यू -80 आती है तो क्या होता है, वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है। अपने बार बार बताते रहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये दो इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या ये स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है लेकिन अपने को कंफर्मेशन के लिए ये जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक करेगा तभी अपने बाय करेंगे। तो DFM फूड का अभी CMP कितना है, 457 है, तो आपको अभी बाय नहीं करना, 464 के ऊपर बाय करना है, 455 का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि जो कैंडल का लो है उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 480 से 490 का, तो आपको वो ध्यान में रखना है गाइस कि अभी क्लोजिंग है 457। अगर कल समझो कि 455 के नीचे ये अपना स्टॉप लॉस लेवल 455 है, उसके नीचे पहले ट्रेड करता है, कल समझो यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की साइड पहले ट्रेड करता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। जैसे कि कल के स्टॉक में रोटो पंप्स था उसमें इनवैलिड सेटअप इसीलिए लिखा है। कॉल एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए और ऊपर का लेवल पहले क्रॉस करना चाहिए तभी आप इसका स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर पहले यहाँ पे ओपन होकर नीचे आ गया तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। 1 से 3 दिन पोजीशन बना के रखोगे तो कॉल एक्टिव होता है 464 के ऊपर, तो 480 से 490 के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया जो आपको बाय करना है लेकिन कंडीशनल बाइंग रहेगी। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, इसको भी आपको बाय करना है लेकिन ये भी कंडीशनल बाइंग रहेगी, उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा।
2 घंटे के कैंडल के ऊपर आप देखोगे तो स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। तो 2 घंटे के कैंडल के ऊपर कौन सा सेटअप है, वही सेटअप रहेगा बाय एंड डिप वाला, बाय एंड डिप विथ एडीएक्स। देखो यहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू देखो जस्ट -80 यहाँ पे जस्ट टच हुआ है, यानी कि ये क्या हो सकता है मैक्सिमम, ये इंडिकेटर से क्या पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम स्टॉक का क्या हो सकता है, लास्ट स्विंग हो सकता है। तो यहाँ से आपको बाय करना है, लेकिन अपने को कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। एक कैंडल अपने इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये पिछले 15 मिनट की कैंडल है। नॉर्मली आप देखोगे तो 2 घंटे में कैंडलें बनती है, दो दो घंटे की, ये पूरे 2 घंटे की है, ये भी पूरी 2 घंटे की है और ये भी पूरी 2 घंटे की कैंडल है। 6 घंटे हो गए और 6 घंटे 15 मिनट, क्योंकि मार्केट चलता है 6 घंटा 15 मिनट। तो अपने 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो 2 घंटे की पूरी बनी नहीं है। तो अपने इसका हाई नोट करेंगे और ये 2 कैंडल में जो रिसेंट लो है उसका लो अपने नोट करेंगे। तो इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, अगर पहले लो ब्रेक हो गए नीचे की साइड तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो परसिस्टेंट सिस्टम का भी सीएमपी कितना है, 4820 है। तो आपको कल को बाय करना है स्टॉक को, 4841 के ऊपर बाय करना है, 4800 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड 4900 4950 का लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो आपको एकदम मिडल पे क्लोज दिया है, अगर पहले ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, अगर पहले नीचे जाएगा स्टॉप लॉस लेवल के नीचे तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो ये अपना तीसरा स्टॉक था जो बाइंग साइड पे था। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट को आपको क्या करना है, बेचना है। बेचने का रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अप ट्रेंड में क्या होता है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट होता है, ऐसे सेम डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट होता है। 2 घंटे के कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। सेल करने का रीजन क्या है, स्टॉक का यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, ये सपोर्ट उसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी जो सपोर्ट का एरिया था वो यहाँ पे रिजेक्शन का काम करेगा। देखो यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से भी रिजेक्शन आया और यहाँ से भी रिजेक्शन आया, लेकिन अपने को कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, जैसे कि ये रिजेक्शन कैंडल थी उसके लो के नीचे आपको बेचना है, क्लियर कट। ये रिजेक्शन कैंडल थी उसके लो के नीचे बेचना है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बेच सकते क्योंकि अपने को पूरे 2 घंटे की कैंडल पूरी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन आप देखोगे ध्यान से तो पहले जो 9:15 से 11:15 की एक कैंडल बनी उसका हाई लो के अंदर ही पूरे दिन स्टॉक ने क्या किया, ट्रेड किया है। यानी कि ये पहले जो कैंडल बनी उसको आप बोल सकते हैं मदर कैंडल और ये सब इनसाइड बार है। तो अभी अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको क्या करना है, ये मदर कैंडल का लो अगर नीचे की साइड, क्योंकि सेल ऑन राइज सेटअप है, तो अपने को बेचने का ही ट्राई करना है, ऊपर बाय करने का ट्राई नहीं करना है। तो आपको ध्यान में रखना है मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है पहले तो नीचे की साइड रैली आ सकती है और ये जो प्रीवियस में लेवल दिखाए थे वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो एशियन पेंट का अभी सीएमपी है 2758 है। तो आपको स्टॉक को बेचना है लेकिन कंडीशनल सेल करना है, 2748 के नीचे बेचना है, 2775 का स्टॉप लॉस और नीचे की साइड 2700 के लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो अपना एशियन पेंट आपको बेचना है लेकिन कंडीशनल सेलिंग रहेगा, इसके नीचे ही नीचे गिरावट आ सकती है। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया जो आपको क्या करना है, बेचना है। 3 स्टॉक है अपने जो बाइंग साइड पे, कोफोर्स को बाय करना है, बाय ऑन डीप है, डीएफएम फूड्स को क्या करना है, कंडीशनल बाइंग है, परसिस्टेंट सिस्टम को भी कंडीशनल बाइंग है और एशियन पेंट को कंडीशनल सेलिंग है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है फ्री में डीमैट अकाउंट लाइफ टाइम रहेगा और आपका एएमसी चार्ज भी लाइफ टाइम फ्री रहेगा। तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ओपन करा सकते हो अपना डीमैट अकाउंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।